हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम करेंगे अपने घर को पेंट, ठीक है। और यहाँ पे गेट लगाएंगे और खिड़की लगाएंगे अपने घर में, ठीक है, क्योंकि गेट लगा नहीं है तो हमें गेट लगाना चाहिए और खिड़की लगाना चाहिए। लेकिन हमारे पास अभी 14,000 रुपये ही हैं, तो इसलिए हमें क्या करना होगा, कुछ अर्न करना होगा। और अर्न करने के लिए सबसे पहले हमें टास्क पूरा करना होगा, तो चलिए टास्क पूरा करते हैं। तो हमारा टास्क शुरू हो चुका है, ठीक। सबसे पहले हमें ओपन करना होगा और यहाँ इस रूम को साफ़ करना होगा, ठीक। ये हमारा टास्क है। तो जितने भी इसमें गैराज के सामान, टूल बॉक्स वगैरह है, इसको बेचना होगा। पहले तो गंदगी साफ़ कर देते हैं, जितनी भी डर्ट है और जो भी कूड़ा कबाड़ा बेच देते हैं। ये हो गया, अब इसको गैराज वाले सामान को बेच देते हैं, ठीक। ये बेच दिया हमने, वार्डरोब भी बेच देते हैं, और ये जो ट्रैश है इसको भी रिमूव कर देते हैं और बढ़िया सा झाड़ू लगा देते हैं, क्लीन कर देते हैं रूम को। ये हो गया हमारा क्लीन, ठीक। इसके अलावा अभी डर्ट और है, दीवार गंदी है, दीवार को भी कर देते हैं साफ़ बढ़िया सा। ये दूसरी गंदगी हुई, दो जगह पे और गंदी है कहीं पे, वो ढूंढना होगा। फ़र्श पे कहीं है, मिल नहीं रही है एक जगह, ये खिड़की के ऊपर मिल गई, तो ये कर दिया हमने साफ़। अब इसके बाद हमें वॉल टाइल लगानी होगी, तो वॉल टाइल मेन्यू से खरीद लेते हैं। खरीद लिया हमने, एक दीवार पे लगा दी, दूसरी दीवार पे भी हमने लगा दी, तीसरी दीवार पर हम कर दे रहे हैं अप्लाई, ये भी हो गया। लास्ट दीवार बची है, इस पर भी वॉल टाइल को हम अप्लाई कर देते हैं। ये हो गया अपना काम। इसके बाद हमारा टास्क है कि हमें फ्लोर टाइल ब्लैक लगाना होगा, ठीक है। तो मेन्यू से हमने करा परचेज़ और इसको फ्लोर पे लगा देते हैं, तो ये कर दिया हमने अप्लाई, बहुत बढ़िया, ये काम हो गया। इसके बाद एक शीट हमें परचेज़ करके लगानी होगी, तो वो परचेज़ कर लिया, इसको यहाँ पे रोटेट करके लगा देंगे, ये हो गया, ठीक। इसके बाद का क्या काम है, सिंक एक लगानी होगी, सिंक कैबिनेट पहले लगाना होगा, फिर सिंक हमें लगानी होगी, तो उसको यहीं पर लगा देते हैं थोड़ा सा आगे, हाँ बस ये जगह ठीक है। अब एक सिंक खरीद लेते हैं और सिंक को यहाँ पे लगा देते हैं, इसको कर देते हैं रोटेट, क्योंकि नल लगना है और नल को लगाने के लिए इसको रोटेट करना होगा, ठीक है। रोटेट कर दिया, मिडिल में कर देते हैं एकदम सेंटर में, हाँ ये हो गया, ठीक है, करेक्ट। अब इसके बाद एक टैप खरीद लेते हैं, टैप को किया हमने परचेज यहाँ से। इसके बाद इस टैप को यहाँ पर सही जगह पर लगा देते हैं, उसको रोटेट करना पड़ेगा क्योंकि दूसरी दिशा में है वो, हाँ अब ठीक है। इसको ऑन करके देख लेते हैं, काम कर रहा है, हाँ बिल्कुल सही, बहुत सही काम कर रहा है, तो ये हो गया अपना काम। इसके बाद हमें एक मिरर लगाना है, तो एक मिरर हमने परचेज़ करा और इसको यहाँ एकदम बीचों बीच सेंटर में लगा देते हैं, सेट कर देते हैं बढ़िया सा, ये हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या लेना है, हमें वॉल लाइट लगानी है, तो वॉल लाइट हमने करी परचेज़, अब इसको ऊपर यहाँ पर लगा देते हैं सेंटर में, ठीक है, ऑन कर देते हैं, ओके ये भी हो गया। इसके बाद हमें खिड़की पे, हाँ ये लगाना है, ठीक है, इसको लगा दिया, ओपन कर देते हैं इसको, ये भी काम हो गया। एक वेंटिलेशन ग्रिल हमें लगानी होगी, चलो परचेज़ कर लेते हैं जल्दी से। और नीचे इसी मेन्यू में नीचे मिलता है वो, ये मिल गया, $132 का है, ठीक है, अब इसको नीचे लगा देते हैं यहाँ पर वेंटिलेशन ग्रिल, ये काम भी हो गया अपना। एक लैम्प लगाना होगा हमें, तो लैम्प परचेज़ करेंगे, सीलिंग लाइट में मिलेगा, मिल गया, ठीक है। एक लैंप इधर लगा देते हैं, क्योंकि दो लैंप हमें लगाने हैं तो दोनों दोनों कोने पे लगा देंगे, ठीक है, एक इधर, तो इसके जस्ट अपोजिट साइड में दूसरा इधर लगा देंगे, और फिर दोनों को ऑन कर देते हैं, ठीक है, तो ये लग गया, आप दोनों को ऑन कर दो, ये दूसरा वाला भी कर दिया हमने ऑन, ठीक है, ये काम हो गया। तो हमें एक ब्रश भी ख़रीदना होगा सफाई करने के लिए, चलो उस ब्रश को परचेज़ कर लेते हैं। और आ गए हम मेन्यू में, यहाँ पे ये मिल गया ब्रश, $287 का है, $287 का, ये काम हो गया अपना। इसके लिए हमें लगभग $2,000 मिले हैं, ठीक है, तो चलो अर्निंग हो गई है। अब थोड़ा सा अपने घर की पेंटिंग कर और दरवाज़ा और खिड़की लगा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले करते हैं पेंट, तो मेन्यू में चलेंगे, पेंट ख़रीदेंगे, इस वाले में नहीं मिलेगा, दूसरे मेन्यू में जाना पड़ेगा, नहीं इसी में है ये। अब इसमें से चूज़ करना होगा पेंट करे कौन सा, तो पेंट मेरे ख्याल से लाइट पिंक करके देखते हैं, ख़रीद लिया हमने, इसको यहाँ पर रखते हैं। और अब ब्रश लेकर के पेंट शुरू करते हैं, सबसे पहले सामने वाली दीवार पे पेंट करेंगे, देखते हैं कैसा व्यू आएगा, ठीक है। तो ये कर दिया हमने पेंट, ठीक है, बढ़िया लग रहा है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। इसके बाद चारों दीवारों पर ना अलग अलग पेंट करेंगे, तब बढ़िया रहेगा। तो ये दूसरा पेंट हमने येलो ख़रीदा है, अब इसको करते हैं लेफ़्ट वाली दीवार पे पेंट। लेकिन उससे पहले देखते हैं क्या छत पर पेंट हो सकता है,
नहीं यहाँ पे अप्लाई ही नहीं हो रहा है, तो चलो लेफ़्ट साइड में चलते हैं और इस वाली दीवार पर करते हैं ये वाला पेंट। हाँ बढ़िया लग रहा है, ठीक है कलर बढ़िया है। चलो अब ये पीछे वाली दीवार पर कोई दूसरा कलर करेंगे, तो कौन सा कलर करा जाए? मेरे हिसाब से येलो लेना चाहिए या ये ठीक है, ग्रीन ठीक रहेगा, ग्रीन ही ले लेते हैं। चलो इस कलर को करते हैं, अब ब्रश को डिप करेंगे और पेंट करते हैं पीछे वाली दीवार को। ये हो गई पेंट अपनी दीवार, अच्छा लग रहा है, ये भी कलर बढ़िया है। अब केवल एक साइड की दीवार बची है, ये साइड की, इसको भी कर देते हैं पेंट। ठीक है एक कलर हमने ले लिया है, हल्का पर्पल कलर का है, तो अब इसको प्लेस कर दिया हमने। अब पेंट ब्रश ले लिया है, करते हैं इसको पेंट। तो ये हो गई पेंट, ठीक है बढ़िया लग रही है दीवार, कलर बढ़िया है। तो ये हो गई चारों दीवार पेंट। इसके बाद पहले तो जितने भी पेंट के डिब्बे हैं सबको हटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ से तो निकल ही नहीं रहा है आगे से, थोड़ा पीछे से निकलने के। ओ शिट, ये तो कार ही गायब हो गई है, माय गॉड ये क्या हो गया, मैंने कार ही अपनी बेच दी। चलो पैसे वापस आ गए हैं, 42,000 हो गया है। पहले कितना था? पहले था लगभग 16,000 के आसपास, इस टाइम पे 42,000 हो गया, तो पैसे तो वापस आ गए ठीक है, बट कार थी ठीक था, चलो बाद में फिर से ख़रीद लेंगे। फिलहाल अभी अपने घर को पेंट करते हैं। तो फ्रंट का जो कलर है बहुत ज़्यादा लाइट लग रहा है, तो इसको सोच रहे हैं किसी डार्क कलर से करा जाए, तो पेंट करके देखते हैं कैसा लगेगा ये कलर। ये कर दिया हमने अप्लाई, बढ़िया लग रहा है कलर, या नहीं दूसरा कोई कलर करते हैं जो थोड़ा ब्लू में हो। तो एक और कलर हमने परचेज़ कर लिया है और अब इसको करते हैं पेंट, फिर देखते हैं कैसा लग रहा है घर अपना। तो चलो ये कर दिया हमने अप्लाई और ये बढ़िया लग रहा है कलर, हाँ ये परफेक्ट कलर लग रहा है, ठीक है। तो अभी हमें ढेर सारे काम करने, पहले तो ये पेंट के डिब्बे हटा देंगे, इसके बाद हमें ढेर सारे काम करने क्योंकि अभी गेट लगाने हैं और खिड़कियाँ लगानी हैं। तो चलो जल्दी जल्दी, ये हटा दिया हमने, इसके बाद हमें क्या करना है, अब गेट परचेज करना होगा। मेन्यू में चलेंगे और ख़रीदेंगे एक गेट। तो आ गए हैं मेन्यू में और मेन्यू में गेट मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो कौन सा गेट सबसे बढ़िया लगेगा एक बार सारे देख लेते हैं, फिर उसमें से जो सबसे अच्छा लगेगा वही लगाएंगे। तो इसमें सबसे बढ़िया तो मुझे ये डोर नंबर 1 लग रहा है, हाँ ठीक है इसको लगा देते हैं। पीछे साइड भी एक गेट लगना है, वहाँ पर भी लगा देते हैं, ये यहाँ पर ठीक है, ये भी लगा दिया हमने, ओके ये काम हो गया। अब खिड़की मेन्यू से परचेज़ करते हैं, उसके बाद खिड़की को लगाएंगे। सबसे पहले ये पेंट का डिब्बा हटा देते हैं, ये हटा दिया हमने। मेन्यू से ख़रीदेंगे अब खिड़की को, फिर खिड़की को चारों तरफ की दीवार में जहाँ जहाँ भी खिड़की का स्पेस है वहाँ वहाँ लगाएंगे। ये ले लिया, ये खिड़की बढ़िया है, इसको यहाँ लगा दिया हमने, ठीक है। और एक खिड़की लगेगी लेफ़्ट साइड की दीवार पर, यहाँ पर ये लगा दिया हमने। इसके बाद फ्रंट में दो खिड़कियां लगेंगी, एक यहाँ पर और एक लेफ़्ट साइड में, ये यहाँ पर ये भी लग गई, ठीक है। अब लेफ़्ट साइड की दीवार पे चलना होगा, ये यहाँ पर एक खिड़की लगेगी, इसको ओपन करके देखते हैं, ये ऐसे खुलेगी, ठीक है बढ़िया है, बंद कर देते हैं। तो ये रहा कुछ अपना, इस तरीके का घर दिख रहा है खिड़की और गेट लग जाने के बाद, तो बढ़िया लग रहा है, और कलर हो जाने के बाद कुछ इस तरीके का घर अपना लग रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने कार गायब कर दी थी, तो उसको वापस से परचेज़ कर लेते हैं कार को, ठीक है। तो कार हमने ख़रीद ली, अब इसको रोटेट करके यहाँ पे लगा देते हैं, हाँ रोटेट करके कुछ दूर पे लगाते हैं ताकि आने जाने की जगह रहे। इसको मूव कर देते हैं थोड़ा सा, कार को करेंगे हम मूव, उसके पहले थोड़ा सा एक बार व्यू आप देख लो चारों तरफ से। हाँ अब यहाँ से कर देंगे मूव कार को, क्योंकि आने जाने की जगह बच नहीं रही है, तो यहाँ से मूव करना पड़ेगा। ये कर दिया हमने मूव, ठीक है ये हो गया, अब आने जाने की जगह भी हो गई। तो अपना काम हो चुका है, हम लोगों ने पेंट भी कर लिया घर को, है ना।
खिड़की भी लगा दी और गेट भी लगा दिया। तो आज का जो टास्क था वो कंप्लीट हो चुका है और काफ़ी बढ़िया लग रहा है अपना घर। और कार भी जो हम लोगों ने गलती से गायब कर दी थी उसको वापस से परचेस कर लिया, तो सारा काम हो चुका है। ठीक है, तो बढ़िया लग रहा है, सुंदर लग रहा है घर और कार भी बढ़िया लग रही है, तो ऐसे देखने में और अच्छा लग रहा है, परफेक्ट। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में नए टास्क के साथ, तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।